या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी खातिरदारी नहीं करती बच्चों की, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार हर हर डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चों को ईमेल्स आ रहे हैं कि आपको कोई भी इश्यू फेस करना पड़ रहा है, आप हमें बताइए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमारे कॉलेज में अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड, राइट। तो क्या सारा सीन है, चलो गाइस देखते हैं आज अपन। अगर अपन बात करें यार सीयूईटी काउंसलिंग की, तो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैमर कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, रेपुटेशन की अगर अपन बात करें तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लस ग्रीन वातावरण है, हॉस्टल फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैंक है, लस ग्रीन राजस्थान, अजमेर, बांदा शहरी, किशनगढ़ के अंदर सिचुएटेड है। अगर अपन बात करें सीयूईटी की, तो सबसे पहले जो काउंसलिंग होती थी, जितने भी सीयूईटी पहले एक एग्जाम हुआ करता था, वो सारा का सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ही कंडक्ट करता था। लेकिन अगर अपन इस बार की बात करें तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान काउंसलिंग के लिए अगर अपन सारे कोर्सेज के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 10,000 to 11,000 रुपीज चार्ज करता है, जिसके कारण जो अप्लाइंग कैंडिडेट की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। बिकॉज इन इंडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। बच्चों से जब मैं कंसल्ट करता हूँ तो बच्चों का ये कहना है कि भैया वहाँ पे जब हम 10,000 रुपये दे रहे हैं और अगर वो नॉन रिफंडेबल है, इससे अच्छा हम 10,000 के अंदर इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सब में अप्लाई कर देंगे। हो सकता है वहाँ पे 10,000 लगाने से किसी में भी ना हो, और अगर अपन सारी कॉलेजों में अगर 10,000 लगाएं तो शायद किसी ना किसी में हो जाए। तो यार ये एक बड़ा इश्यू है, इस कारण बहुत सारे बच्चे तो टिल फॉर्म तक जाते हैं, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया लेकिन पेमेंट तक नहीं पहुँच पाते। तो जो डिपार्टमेंट के पास जो भी ईमेल आईडी वगैरह जाता है वो लगातार ईमेल्स डाल रहे हैं, ठीक है। अभी भी मेरे को एक ईमेल आया था डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से, काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे हैं बच्चों को भी, क्या आपको भी ईमेल्स आ रहे हैं, तो ये समझ लो आपकी खातिरदारी की जा रही है। हालांकि अगर अपन पिछले कुछ सालों की बात करें तो यार ये जो कॉलेज की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी है कि यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। 10,000 कोर्स हम पूरे साल की प्रिपरेशन के नहीं लेते हैं, ठीक है, 4,000 रुपए के अंदर बहुत सारे बच्चों को डीयू में, जामिया में, बीएचयू में डाल देते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ आज फिजिक्स वाला की, तो फिजिक्स वाला इज द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और 3,000 कुछ रुपीज के अंदर वो जो है हमें एडमिशन दे रहा है काफ़ी रेपुटेटेड IITs के अंदर, और ये 2-4 दिन की काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपये चार्जेस ले रहे हैं, तो वो तो यार नेगोशिएबल नहीं है ना, ठीक है। तो इसी कारण यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स वगैरह को ये सब करना पड़ रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट वगैरह की कोई भी अपडेट नहीं दी गई है, जैसी आती है सारी की सारी आपको जल्द से जल्द अपडेट किया जाएगा। तो यू कैन सब्सक्राइब नाउ ऑन द YouTube गाइज, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा किया जाने वाला ये प्रोसेस आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने वहाँ पे अप्लाई किया है, और कितने कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, और क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने सारे के सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर दिया हो जहाँ पे अगर 10,000 to 11,000 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा हो। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो एवरेज बच्चों ने सिर्फ 2 कोर्स सेलेक्ट किए हैं, बिकॉज 2 कोर्सेज के चार्जेस हैं 1,000 रुपीज़ ओनली, 1,000 रुपये हैं। अगर अपन तीसरा कोर्स चार्ज करते हैं तो डायरेक्टली 1,000 रुपये बढ़ा देता है, बाद में 1,000 बढ़ाते जाता है। एक बार मैंने एक फॉर्म भरते हुए सारे के सारे कोर्स सेलेक्ट कर दिए थे, मेरा चार्जेस जा रहे थे 11,000 प्लस कन्वीनियंस चार्ज है वो अलग लग रहा है, वो भी सारे पेमेंट मेथड पे लग रहा है, चाहे आप वॉलेट से करो, चाहे आप UPI से करो, चाहे आप NEFT से करो, चाहे आप नेट बैंकिंग से करो, सभी के ऊपर लग रहा है 1,000 के ऊपर 60 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हो GST भी लगा रहे हैं लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होके भी, तो यार काफ़ी गलत था काउंसलिंग। सबसे ज़्यादा जो वर्स्टेड घटिया वाहियात जो काउंसलिंग मुझे लगी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की लगी ड्यू टू दिस इश्यू, और काफ़ी सारे ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनको बहुत सारा इश्यू फेस करना पड़ा। तो बस देख लो यार क्या करना आपको कॉलेज के साथ, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।